जय हिंद दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टैट्स गुरुजी पर। इस वीडियो में बात करेंगे सदर्न ब्रेव वुमन वर्सेस ओवल वुमन द 100 मैच रिव्यू के बारे में। तो बिना देरी के आप वीडियो शुरू करते हैं। तो आपको सबसे पहले बता दूं, ये मैच रोज बॉल साउथहैम्पटन के ऊपर खेला जाएगा और ये मैच करीबन रात के 8 बजे स्टार्ट होगा। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप यहाँ पे बहुत कुछ मिस कर रहे हो। पर आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन क्यों करना है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर ना लाइनअप्स के बाद कोई भी फर्दर अपडेट्स आती है, फाइनल टीम्स आती है, ये मिलेगी आपको टेलीग्राम चैनल पे। तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कैसे कर सकते हो दोस्तों, मैं क्या करूँगा आपको बताएं। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर सबसे टॉप पे पिन करके दे दूंगा, जिसके ऊपर पहले से 1 लाख लोग जुड़े हुए हैं, तो आप भी जुड़ सकते हो। लिंक ऑफ द टेलीग्राम चैनल इन द कमेंट सेक्शन सबसे टॉप पे पिन करा हुआ मिल जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे पिच रिपोर्ट के बारे में बात कर लेते हैं। तो आपको ध्यान देना है, ये सेम वेन्यू है जहाँ पर 11 अगस्त को सदर्न ब्रेव वुमन वर्सेस वेल्स फायर वुमन के बीच में मैच हुआ था। तो अपन ने इस मैच के अंदर क्या देखा था, क्या सीखा था, आपको यहाँ पे स्टैट्स के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा। और दोस्तों यहाँ पे पिच फ्रेश भी हो सकती है और यूज भी हो सकती है। मैं आपको दोस्तों हमेशा बोलता हूँ, मैं टेलीग्राम के ऊपर ना टॉस के टाइम पे मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि पिच यूज्ड है या फ्रेश है, क्योंकि दोस्तों टॉस के टाइम पे ना कॉमेंटेटर्स होते हैं और दोस्तों कैप्टन होते हैं टीम के, वो बताते हैं कि भैया यहाँ पे बैट फर्स्ट क्यों कर रहे हैं, बैट सेकंड क्यों कर रहे हैं, ठीक है। तो लोग दोस्तों हमेशा बताते हैं कि पिच यहाँ पे यूज्ड है, फ्रेश है, ठीक है। अब देखो, जो पिच रहेगी दोस्तों आमतौर पर ना रोज बॉल साउथहैम्पटन की, ये बैट्समैन के लिए बढ़िया होती है। प्लस दोस्तों यहाँ पे स्पिनर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ आपको नीचे बताऊंगा। प्लस होम ग्राउंड है इसका सदर्न ब्रेव वुमन का। अब देखो यहाँ पे जो टीम बैट फर्स्ट करी है वुमेंस मैचेस के अंदर 3 मैच जीती है यहाँ पर आउट ऑफ लास्ट 6 गेम्स, और जो टीम दोस्तों यहाँ पे चेस करती है दूसरी बारी के अंदर तो यहाँ पे 3 मैच जीते आउट ऑफ लास्ट 6 गेम्स। एवरेज स्कोर 122-150 दोस्तों आपको बनता हुआ दिखेगा इस वेन्यू के ऊपर, एजस बॉल के ऊपर, जिसको अपन दोस्तों रोज बॉल साउथहैम्पटन के नाम से भी जानते हैं द 100 के अंदर इस वेन्यू के ऊपर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लास्ट 6 मैचेस के अंदर इस वेन्यू के ऊपर क्या हुआ है, पेसर्स मतलब तेज गेंदबाजों ने 19 विकेट निकाले, पहली पारी में 8 है, दूसरी पारी के अंदर 11 विकेट्स हैं। अब देखो किस टाइप के पेसर्स यहाँ पे विकेट निकालते हैं, राइट आर्म पेसर्स 12 विकेट है, लेफ्ट आर्म पेसर्स 7 विकेट है। वही बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे किसकी, स्पिनर्स की, तो स्पिनर्स यहाँ पे बढ़िया काम करा है, लास्ट 6 मैचेस में 32 विकेट है, लगभग अपन कह सकते हैं कि पेसर से दुगने विकेट निकालते हैं यहाँ पे स्पिनर्स। पहली पारी में 17, दूसरी पारी के अंदर 15 विकेट है। और दोस्तों यूज विच होती है ना, तो मेरे हिसाब से वही फॉर्मूला हमेशा स्पिन टू विन, ये चीज़ दोस्तों को हमें ध्यान रखनी है, क्योंकि जो कैप्टन होता है ना दोस्तों वो खुद कहते हैं कि यार जब पिच में ज़्यादा टर्न होता है, स्लो होती है दोस्तों, तब हम स्पिनर्स को ज़्यादा बॉलिंग कराते हैं और क्रूशियल लोड्स स्पिनर्स को देते हैं। तो दोस्तों लॉजिक वही हमेशा मैं आपको कहता हूँ। अब देखो किस टाइप के स्पिनर्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो ऑफ स्पिनर्स 20 विकेट है, लेग स्पिनर्स 9 विकेट है, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर्स यहाँ पे 3 विकेट है। और जो लास्ट मैच था उसमें दोस्तों यही कहानी थी, चाहे मेंस मैच में देख लो, चाहे दोस्तों आप यहाँ पे वुमेंस मैच में देख लो। तो देखो वुमेंस मैच के अंदर लास्ट मैच में 11 अगस्त को जो हुआ था सदर्न ब्रेव वुमन वर्सेस वेल्स फायर वुमन, उस मैच के अंदर यहाँ पे 1 विकेट मात्र पेसर ने निकाला था और दोस्तों यहाँ पे 6 विकेट स्पिनर्स ने निकाला था, ठीक है। तो स्पिनर्स इंपॉर्टेंट है, क्लाउड वेदर उस पर रहेगा, पिच दोस्तों फ्रेश भी तो मैं पहले कर रहा हूँ, पेसर्स को लेना पड़ेगा आपको। अब देखो फ्रेश पिच भी तो मैं रिपीट कर रहा हूँ दोस्तों, कुछ लोग कहेंगे आप क्या बता रहे हो, कभी आप स्पिनर्स बोलते हो, कभी आप पेसर्स बोलते हो, तो लॉजिक दोस्तों ये ना, यूज पिच मतलब स्पिनर्स इंपॉर्टेंट, फ्रेश पिच मतलब दोस्तों पेसर्स इंपॉर्टेंट। बाउंड्रीज देखो दोस्तों यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी हैं, पर वुमेंस मैच में दोस्तों बाउंड्री डायमेंशंस मैटर ही नहीं करते हैं, बाउंड्री को दोस्तों अंदर कर दिया जाता है, इतना से बाउंड्री रखी जाती है दोस्तों। वुमेंस मैचेस में ना 15-20 मीटर बाउंड्री को अंदर करा जाता है, क्योंकि दोस्तों आपको होता है वुमेंस थोड़ी सी मतलब 6'4" की बाउंड्रीज उनको लंबी लगती है, तो छोटा करा जाता है उनको। लॉजिक दोस्तों सही भी है, वो कोई दिक्कत नहीं है। ये मैच देखो मंडे को स्टार्ट हुआ, 3 बजे के आसपास स्टार्ट हुआ इंग्लैंड के अंदर, अपने यहाँ पे तो 8 बजे स्टार्ट हुआ। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मोस्टली क्लाउडी वेदर है, बारिश दोस्तों कम चांसेस होते हैं, दोस्तों इंग्लैंड है, कुछ भी हो सकता है, आप जानते हो बारिश कभी भी आ जाती है दोस्तों। वहाँ पर वेदर फोकास्ट में लिखा है दोस्तों नो रेन, तो उस दिन इतनी रेन होती है कि मैच ही पूरा हो जाता है, बोलते ना कि कॉल्ड ऑफ हो जाता है पूरा, वैसा कुछ व्यवहार है दोस्तों यहाँ पर बरसात के साथ इंग्लैंड के अंदर। अब वीडियो लाइक करके स्टार्ट कर सकते हो दोस्तों यहाँ पे, मतलब मेरे हिसाब से इंद्रदेव दोस्तों यहाँ पे ज़्यादा प्रसन्न है, चलता रहता है दोस्तों सब। रूल्स ऑफ द 100 आप पढ़ सकते हो यहाँ पर, ये हैं, अगर आपको नहीं पता यूट्यूब पर सर्च करना रूल्स ऑफ द 100 बाई स्टैट्स गुरुजी इन हिंदी, सबसे टॉप पे वीडियो मेरा आपको मिल जाएगा। अब देखो सदर्न ब्रेव वुमन की बात करते हैं, तो इसमें दोस्तों बड़ी न्यूज़ क्या आ रही है, बहुत बड़ी न्यूज़ है, स्मृति मंदाना दोस्तों जा चुकी है ऑफिस इंडिया। क्यों, क्योंकि आपको बताया दोस्तों सितंबर के अंदर, या हिंदी के अंदर सितंबर कहूँ तो उसके अंदर दोस्तों आपको बताया कहाँ पे टूर है, इंडिया टूर है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, आई थिंक 15-20 तारीख के आसपास से यार, है ना, कन्फर्म नहीं है दोस्तों, मैं ही थोड़ा सा एक बार कहीं देखा था मैंने, इसलिए याद रहता है थोड़ा सा, तो ऑस्ट्रेलिया का टूर है तो कन्फर्म है अगले महीने। तो इसमें दोस्तों इंडिया की टीम जाएगी और थोड़ा सा लंबा स्टे है मेरे हिसाब से, तो वहाँ पे दोस्तों ये प्लेयर्स
अपने घर पे जाना चाहते हैं, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। हरमनप्रीत कौर भी दोस्तों अपने घर चली गई, स्मृति मंदाना भी दोस्तों घर जा रही हैं, तो आप समझ सकते हो दोस्तों अपने घर को दोस्तों पहली प्रायोरिटी हमेशा देनी चाहिए आप चाहे दोस्तों कोई भी काम करो। ओवल की बात करते हैं कोई दिक्कत ही नहीं है, जिनके तीनों ओवर से प्लेयर दोस्तों अवेलेबल है, अच्छी बात है। लाइनअप्स की बात करते हैं, सदन बरे वुमन दोस्तों इस टीम की सबसे बेहतरीन टीम है, 1-1, 1-1, 1-1, और दोस्तों नीचे वाली टीम भी सबसे बेस्ट है। मैंने आपको दोस्तों हफ्ते भर पहले 10 दिन पहले आपको एक वीडियो बनाया था मैंने दोनों टीम से, तो मैंने दोस्तों आपको कहा था ये दो टीम दोस्तों मेरे हिसाब से मोस्टली फाइनल खेलेगी दोस्तों। अभी तक मेरे को वही लग रहा है दोस्तों दोनों टीम से फाइनल खेल सकती है। ये देखो 1-1, 1-1, 1-1, तीन टीम सबसे बेस्ट है, एक तो सदन ब्रेव वुमन, एक दोस्तों फिर अपनी ट्रेंट रॉकेट्स है, एक तो आपको ओवल दिख ही रही है। देखो यहाँ पर डेनी वाइट ओपन करेंगे सोफिया डंकली के साथ, स्टेफनी टेलर वन डाउन आएंगी, मियां बाउची रहेंगी टू डाउन, जडे वेलिंगटन, अनाश रबसुल, एफी मोरिस, चार्लोटे टेलर्स, काला रॉड, तारा नॉरिश और ऐसे लॉरेन बेल आपको खेलती हुई दिखेंगी। चलते हैं मैं तरफ ओवल की तरफ, यहाँ पर डेनवर नाइक्रिक ओपन करती हैं जॉर्ज एडम्स के साथ, रेचल फिन ट्रॉफी की आइसन स्कोरर रहती है हमेशा जॉर्ज एडम्स, फ्रान विल्सन वन डाउन, मर्जीना कैप टू डाउन, अलास कैप्सी टू डाउन, दोस्तों आई थिंक थ्री डाउन, बहुत अच्छी प्लेयर है, मैडी विलियर्स, ग्रेसी गिब्स, डैश फ्रांट, सारा ब्राइस, डेनली ग्रिगोई, शबनम बलिस्वन। अब देखो प्रमुख गेंदबाज कौन रहेगा दोस्तों इस टीम के अंदर, बहुत सारे बॉलिंग ऑप्शंस है, तो प्रमुख गेंदबाज मर्जीना कैप रहेंगी, शबनम बलिस्वन रहेंगी, डैश फ्रांट रहेंगी, तीन तो दोस्तों सबसे मेन बॉलर्स हैं, अलास कैप्सी को आप जोड़ सकते हो, ये चार सबसे मेन बॉलर्स हैं। चलते हैं लास्ट मैचेस में क्या हुआ था, तो आप देख सकते हो लास्ट मैच में सदर्न ब्रेव वुमन की तरफ से डैनी वाइट ने 7, 12, 69, 21, 24, 2 और 53 की नॉक खेली थी और एक विकेट भी निकाला था उसने, 5 बॉल में 10 रन देखे, तो बढ़िया परफॉर्मेंस था इनका। सोफिया डंकली 6, 16, 41, 22, 28, 50, 23 दोस्तों बढ़िया परफॉर्मेंस रहा है इसका, वैसे शायद ओपन कर सकती हैं क्योंकि यहाँ पे स्मृति मंदाना अवेलेबल नहीं है, तो ये प्लेयर पे दोस्तों जिम्मेदारी बढ़ जाती है और जिम्मेदारी को दोस्तों अच्छे से लेती हैं, बहुत बढ़िया प्लेयर है। इनके दोस्तों जो ग्रिप है ना बैट पकड़ने का वो दोस्तों बहुत ही यूनिक है, क्यों, क्योंकि जो उनका कहता है ना कि प्लेयर का इंटेंट दिख जाता है दोस्तों, मारेगा या नहीं मारेगा इसका इंटेंट ही दोस्तों, बैट को एकदम हार्ड पकड़ती हैं, जब बॉल आती है दोस्तों बैट को अच्छे से स्विंग करती हैं, तो प्लेयर टू वॉच आउट स्टेफनी टेलर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, 45+ एक विकेट पहले मैच में दोस्तों इंप्रेस करा, दूसरे मैच के अंदर 17 रन विकेट लेस, फिर 22 रन विकेट लेस और दोस्तों लास्ट मैच के अंदर आप देख सकते हो एक विकेट निकाला था, 15 गेंद डाली, मेरे हिसाब से दोस्तों इस मैच में भी बॉलिंग करा सकते हैं, ग्राउंड प्लस वही वेन्यू रहेगा दोस्तों जहाँ पर इसने 15 बॉल डाली थी, एक विकेट निकाला था। माया बाउशीर 18, 15, 12, 9, 32, 9 दोस्तों बहुत अच्छी प्लेयर है, अभी टेक्निकल साउंड बैट्समैन, सेम लाइक है फ्री बॉन जो है ना ट्रेंट रॉकेट्स की। एम डी लेवंगटन 5 रन 0 विकेट, 2 विकेट है, 2 विकेट है, 4 विकेट है, 0 विकेट है, फिर 0, 1 विकेट है, लास्ट दो मैचेस दोस्तों कुछ नहीं कर रहा लेकिन ठीक ठाक बॉलर मानी जाती हैं। अनाश रबसुल 40+4 विकेट है दोस्तों, पहले मैच में इसने परफॉर्मेंस दिया था और मुझे दोस्तों अभी भी याद है पहले मैच में 50 को ड्रॉप करा था, उसके बाद दोस्तों एक भी मैच में नहीं चली, वो पता नहीं दोस्तों अपनी मतलब खेलने के लिए आउट भी दिया वहाँ पे क्या करा था समझ के बारे में मेरी, एक विकेट है, फिर यहाँ से 0 विकेट है, फिर 0 विकेट है, फिर दोस्तों यहाँ से 0 विकेट है, लास्ट 4 या 3 मैच दोस्तों विकेटलेस ही जा रही है, या फिर मॉरिस आएंगे यहाँ से विकेटलेस, 2 विकेट है, 0 विकेट है, 0 विकेट है, 0 विकेट है, लास्ट मैच में 20 बॉल डाली थी, बड़ी बात थी। लॉरा बेल 2 विकेट, 2 विकेट है, 0, 1 विकेट, 0 विकेट है, 2 विकेट है, फिर 0 विकेट है, 15 गेंद में 19 रन दिया था। तारा नॉरिश विकेटलेस, 1 विकेट, 1 विकेट, लास्ट मैच से बॉलिंग करा रही है। शैलो टेलर 1 विकेट, 0-0, स्टार्टिंग हो लॉरेन बेल, अनाश रबसुल, एंड्रयू डेवलिंगटन, डेथ में आएंगे अनाश रबसुल, स्टेफनी टेलर आ सकती हैं, वेलिंगटन आ सकती हैं और दोस्तों लॉरेन बेल आती हैं और आजकल दोस्तों एफ ए मोरिस भी आने लगे, तो उनका दोस्तों डेथ ओवर का कुछ सेटलमेंट नहीं है अच्छे से, कोई भी दोस्तों आके करा जाता है डेथ ओवर में, ज़्यादातर अनाश रबसुल आनी चाहिए और आनी चाहिए मेरे हिसाब से एफ ए मोरिस, एम डी डेवलिंगटन है तीन बॉलर्स। ओवल की बात करते हैं तो डैन वैन एक 56-29 विद द बैट बता रहा हूँ पहले, फिर विद द बॉल बाद में बताऊँगा, 27-8, 67 के नौ थे 51 बॉल्स के अंदर, लास्ट मैच में 17 करा था 10 गेंद के अंदर। अब देखो यहाँ पे विद द बॉल विकेटलेस 3 विकेट, 0 विकेट है, 1 विकेट है, 2 विकेट है, 0 विकेट है, तो इनका दोस्तों ठीक ठाक परफॉर्मेंस रहता है। अब तो मेरे हिसाब से मेन मेन बॉलर्स आ चुके हैं इस टीम के अंदर, मर्जीना कैप आ चुकी है, शबनम लिश्मान आ चुकी है, तो उनके ओवर कट सकते हैं जैसा हुआ था लास्ट मैच में 10 ही बॉल डाली थी, वैसे तो 20 बॉल डालनी चाहिए थी। जॉर्ज एडम्स यहाँ पर 12-0, 26-0, 42-37 नॉट आउट, मैच को फिनिश करा। फ्रान विल्सन 4-2, 8-20, 22, मर्जीना कैप 38 रन 2 विकेट है, पहले मैच में दोस्तों उसने मतलब आप समझ सकते हो 100+ पॉइंट दिए, दूसरे मैच में आती है दोस्तों वहाँ पे भी वही काम करके जाती है, 23 रन 20 गेंदों के अंदर विद द बैट दोस्तों बहुत अच्छी प्लेयर है और 2 विकेट निकाला 20 गेंदों में मात्र 12 रन दिया। अलास कैप्स भी दोस्तों एक यंगस्टर है, मात्र 17 साल की एज भी है इसकी, अभी 2-3 दिन पहले इसका बर्थडे था, बहुत बढ़िया प्लेयर, 4 रन 59 की नॉक, फिर 2 विकेट है, 8 रन, फिर 17 रन दिया इसने 20 गेंदों में, 14 रन विद द बैट है, फिर दोस्तों 1 विकेट निकाला 14 रन विद द बैट था, लास्ट मैच में
15 रन दिए थे इसने 20 गेंदों के अंदर, दो विकेट निकाले दोस्तों, दो बहुत ही वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स को आउट करा था। एक तो मेरे हिसाब से इधर नाइट थी, वही थी डिनाड्रा डॉटिन, ये दो दोस्तों ऐसे प्लेयर्स जो मैच विनर होती हैं। मेडी प्लेयर्स दोस्तों लास्ट मैच में सिर्फ 5 बॉल डाली, उसमें 12 रन इसने दे दिए थे। वहाँ पर इधर नाइट ने और टैमी ओबर्ट ने आईडे थे पिछड़ लिया था उसको, फिर एक विकेट है, फिर एक विकेट है, फिर दो विकेट है दोस्तों, ठीक ठाक परफॉर्मेंस रह रहा है। ग्रेस गिब्स आएंगे यहाँ से, 0-0 विकेट है, दो विकेट है, 0 विकेट है, 21 रन, ये दोस्तों बैट से अच्छा परफॉर्मेंस देती है। लास्ट मैच में 5 बॉल डाला था, अब कोई बॉलर पिट जाता है ना दोस्तों तब बॉलिंग कराती है। 23 रन, 3-2-2-1-3-1 हाईएस्ट विकेट टेकर में दोस्तों ये भी मानी जाती है, सबसे टॉप 5 के अंदर है। स्वामी जॉर्जनसन दोस्तों हमेशा लेजेंडरी लीड करती हैं, वो दोस्तों अलग ही लेवल की प्लेयर है। शबनम इस्माइल 0 विकेट और 1 विकेट दोस्तों। लास्ट मैच में इसके 2 विकेट होने चाहिए थे, वो तो सारा प्राइस ने कैच ड्रॉप कर दिया था इधर नाइट का 2 रन पे। चलता है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं हो तो, अपने हाथ में चीज़ें होती नहीं ऐसी चीज़ें। स्टार्टिंग में मर्जीना कैप शर्मा इस्माइल, तैश उरान डेथ और में तैश उरान मर्जीना कैप शबनम इस्माइल। चलते हैं दोस्तों यहाँ पे वेनिस स्टार्ट्स की तरफ, तो आप देख सकते हो सदन ब्रेक वोमन की तरफ से यहाँ पर डैनी वाइट ने 13 मैच खेले 240 रन, 18 की एवरेज है। बैट 59-53-8-7-6-0, बैट सेकंड 69 नॉट आउट 36-2-0-0-0-0। सोफिया डंगली 1 रन 41 नॉट वाइल चेसिंग, 50 नॉट आउट वाइल चेसिंग, 23 वाइल बैट फर्स्ट नॉट आउट। स्टेफानी टेलर 44 नॉट आउट वाइल बैट फर्स्ट, 8 रन बैट फर्स्ट प्लस 1 विकेट है, 22 रन नॉट आउट वाइल चेसिंग, 0 विकेट है, फिर 0 विकेट 0 रन है। लास्ट मैच में 0 रन प्लस 1 विकेट था। माया बाउचीर 19-17-7-6-1-32 नॉट आउट 5 नॉट आउट। अमिटा जडेव लंगटन 6 मैचों में 5 विकेट, 3 मैच के अंदर विकेट लेस है। एनआई शुभ्रोसोल यहाँ पर 5 मैचों में 3 विकेट है और तीनों विकेट से बॉल फर्स्ट करते हुए निकाले। एफ यू मॉरिस 5 विकेट से 9 मैचों में, 4 मैच के अंदर विकेट लेस है। काला रोड का यहाँ पे 13 मैचों के अंदर 8 रन है। शैलो टेलर का यहाँ पे 4 विकेट प्लस 31 रन है, फिर 0 विकेट है। लॉरेन बेल का यहाँ पे 7 मैचों में 3 विकेट है, 5 मैच के अंदर विकेट लेस है। टॉरन नॉरिस का 2 मैच में 2 विकेट है। चलते हैं यहाँ पे ओवल इनविंसिबल्स की तरफ, इनविंसिबल्स टीम का नाम है दोस्तों, मेमोरी टीम है। जॉर्ज एडम्स ओवल इनविंसिबल्स की तरफ से 6 मैच 68 रन से 17 की एवरेज है। बैट फर्स्ट 17-2, बैट सेकंड 41-5-3-0। 10-1 नाइकरी यहाँ पे दोस्तों 1 मैच खेली, उसके अंदर 2 रन करा था वाइल चेसिंग प्लस 0 विकेट था। एलेक्स कैप्सी का यहाँ पे 4 रन था वाइल चेसिंग, 14 वाइल चेसिंग प्लस 1 विकेट है। मर्जेना कैप आई थिंक दोस्तों एलेक्स कैप्सी का जो केनिंगटन ओवल का स्टैट्स था दोस्तों, उसको अपन बैक करते हैं। ये यहाँ पे दोस्तों एलेक्स कैप्सी नहीं खेली है, जो स्टैट दोस्तों मुझे याद आते थे ना, कभी कभी मिस टाइप हो जाता है। एलेक्स कैप्सी दोस्तों यहाँ पर नहीं खेली है। अब देखो मर्जेना कैप 42 रन प्लस 0 विकेट है, बैट फर्स्ट 1 रन बैट फर्स्ट 0 विकेट है। मेडी ब्लेड्स का यहाँ पे 11 रन और 0 विकेट वाइल बॉल सेकंड। ग्रेसी गिब्स का यहाँ पे 1 रन वाइल बैट फर्स्ट है। और यहाँ पर टैश फ्रंट का दोस्तों ग्राउंड था 9 मैचेस के अंदर 10 विकेट, 3 मैच के अंदर विकेट लग गए हैं। यहाँ पर शबनम इस्माइल का 1 मैच के अंदर 1 विकेट बॉल फर्स्ट करते हुए। अब बात करते हैं दोस्तों रिसेंट T20 का आप स्टैट देख सकते हो यहाँ पर, इसको कैसे समझना है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, स्मृति मंदाना दोस्तों बाहर जा चुकी है तो उनकी बात नहीं करेंगे। डैनी वाइट देखो दोस्तों 21 मैच खेले जाता है T20 के अंदर, 30+56 बार गया, मैं 30+ की लिखता हूँ क्योंकि दोस्तों 21 मैच खेले हैं दोस्तों सबको पता है, पर चली कितनी बार है, चली 56 बार है। फिर देखो 24 की एवरेज है, 3500 रन है, हाईस्ट 124 है। और आपको ध्यान देना एक और चीज़, बैट फर्स्ट 21 बैट सेकंड 26 की एवरेज है। 2021 के अंदर 34 की एवरेज है, 6 मैचेस में 168 रन है। इसी तरह स्टेफनी टेलर को आप देख सकते हो, इसमें दोस्तों बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दिया है और आप देख रहे हो यार 33 की एवरेज है 224 मैचेस में और 5500 रन है यार, कितना बढ़िया परफॉर्मेंस है इस प्लेयर का। अब देखो यहाँ पे हर प्लेयर के स्टैट्स आप समझ सकते हो यहाँ पे, ठीक है। मैंने आपको स्टार्टिंग वीडियोस में एक्सप्लेन कर ही दिया था सारी चीज़ें। कॉमन कैप्टन मर्जीना कैप डैनवन नाइग्रिक, बट दिस मिस को आना है डैनवन नाइग्रिक मर्जीना कैप डैनी वाइट सोफिया डंकली दोस्तों, 4 मोस्ट वैल्यूबल प्लेयर्स अलग जाना है तो ट्राई करना स्टेफनी टेलर को दोस्तों। ये प्लेयर 2 वॉच आउट हो सकती हैं, शायद 1 डाउन बैटिंग करेगी ना तो उनको मैं पक्का ही लूँगा, 2 डाउन बैटिंग करती है दोस्तों अपन सोचेंगे इनको लेना है नहीं लेना। अनाश रसोल वेलिंगटन दोस्तों ट्राई कर सकते हो। बात करेंगे यहाँ पे टीम्स की, क्या रहने वाली यहाँ पे टीम्स। ये दोस्तों एकदम बेसिक वाली टीम है जिसके अंदर सारा ब्राइस है, डैनी वाइट है, जॉर्ज एडम्स है, ये देख सकते हो, ठीक है। इसके अंदर मैंने तीनों के लिए रखा है, तीनों दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब देखो बड़ी लीग्स में क्या करना है, थोड़ा सा अलग रहना है, तो बताओ यहाँ पे क्या ट्राई कर सकते हो। तैश फ्रांस को ड्रॉप करके आप किसी और को ले सकते हो, दोस्तों टारा नॉरिस को ले लिया आपने, फिर दोस्तों आपके पास एक ऑप्शन आ जाता है कि आप एलेक्स कैप्सी या फिर दोस्तों आपका जो मन हो वेलिंगटन को ड्रॉप करने का। मैं दोस्तों किसी प्लेयर का पर्टिकुलरली नाम नहीं लूँगा क्योंकि दोस्तों तो आपको डिपेंड करता है आप किसको ड्रॉप करना चाहते हो, तो उसको ड्रॉप करके आप सारा स्टेफनी टेलर को लेके यहाँ पे किसी को भी ले सकते हो दोस्तों। ये भी बहुत अच्छी टीम लग रही है मेरे को, ये भी दोस्तों आप ट्राई कर सकते हो क्योंकि स्टेफनी टेलर अगर 1 डाउन खेलती है तो दोस्तों इंपॉर्टेंट रोल अदा कर सकती हैं। ये दोस्तों बहुत कम आउट होती हैं गलत शॉट्स खेल के, बोलते हैं ना अपन कि सोच बूझ के खेलती थोड़ा सा। बड़ी लिस्ट में क्या करना है, इसमें दोस्तों मेरे सबसे सारा बड़े ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, ये कीपिंग अच्छी करती हैं और कीपिंग से दोस्तों पॉइंट ज़्यादा देती हैं ये। फिर आएंगे यहाँ से बैटिंग सेशन के अंदर, ये दोस्तों अवेलेबल नहीं है। स्मृति मंदाना लेजेंडरी प्लेयर हैं, ये भी
डेन वाइट दोस्तों ओपन करेंगी, सुफेद अंगली दोस्तों इंपॉर्टेंट है, दो प्लेयर तो आपको लेके चलना है, फिर दोस्तों जॉर्ज एडम्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रॉन विल्सन दोस्तों आप ग्रैंड के अंदर ट्राई कर सकते हो, भी दोस्तों टेक्निकल साउंड प्लेयर इंग्लैंड के लिए खेल चुकी है, मैं बहुत भी दोस्तों इंग्लैंड के लिए खेल चुकी है। और यहाँ पर दोस्तों एक बड़ी चीज़ क्या है, यहाँ पर आपको रिप्लेसमेंट बताऊंगा कौन है, गैब्रियल यूज़ दोस्तों रिप्लेसमेंट है किसकी, स्मृति मंदाना की, ये चीज़ दोस्तों आपको मैं बताना है, भूल गया था मेरे दिमाग से दोस्तों निकल गया था, तो इसका स्टैट्स भी आपको मैं देता हूँ जस्ट ए मिनट। तो दोस्तों मेरे हिसाब से अपडेटेड लाइनअप्स ये होना चाहिए कि डैनी वाइट गैब्रियल्स ओपन करेंगी, सोफे डंकली वन डाउन, स्टेफनी टेलर सर उस पर चलता रहेगा। अब यहाँ पे इसकी बात करते हैं इसकी गैब्रियल्स के स्टैट्स की, 48 मैचेस खेले आज तक T20 के अंदर, और आपको पता है 9 बार इसमें 30+ स्कोर करा है, मतलब 48 में से 9 बार चली है, इसकी चलने की रेशियो क्या है, ये 5 में से 1 मैच में चलती है, 22 की एवरेज है, 850 रन है, हाईएस्ट 71 है, और इस साल 2021 के अंदर 7 मैचेस में 180 रन है, 30 की एवरेज है इस साल, और आपको बताऊंगा बैट फर्स्ट में इसकी कितनी की एवरेज है, आई थिंक 23 की एवरेज है, बैट सेकंड में 21 की एवरेज है, और इंग्लैंड के अंदर दोस्तों इसने सिर्फ 2 मैच खेला उसमें 17 रन है इंग्लैंड के अंदर। अब यहाँ पे दोस्तों मैं आपको जो चीज़ बता रहा हूँ उसको कंटिन्यू करते हैं अपन, तो आप दोस्तों उनको ट्राई भी कर सकते हो, लेकिन बहुत ही रिस्की पिक है, मतलब वो बात हुई ना यार कि सिर्फ बैट विद द बैट ही परफॉर्मेंस देंगे, और इस साल इतना खास फॉर्म भी नहीं है। डैनवन नाइगरी दोस्तों इंपॉर्टेंट, ये भी दोस्तों एक एवरेज पिक है, मैं मना नहीं कर रहा, ड्रॉप भी कर सकते हो, ये दोस्तों एवरेज पिक है, ये भी नीचे खेलती हैं, ये दोस्तों इंपॉर्टेंट है, दो प्लेयर तो आपको लेके चलना है यहाँ से दोस्तों। आप स्टेफनी डेल को ट्राई करेंगे ग्रैंड लीग्स के अंदर, ये भी अच्छी प्लेयर है, बस क्रेडिट की दिक्कत आ सकती है आपको। लॉरा बेल दोस्तों इंपॉर्टेंट है, टैश छोड़ाना दोस्तों इंपॉर्टेंट है, मेडी ब्लेस ने लास्ट मैच में 5 ओवर डाली थी, अगर दोस्तों आप स्पिन होता तो ज़्यादा ओवर्स डाल सकती हैं, वैसे स्पिनिंग ट्रैक होना चाहिए। शबन वाले के बाद दोस्तों गति है, अच्छी खासी बॉलर है, तारा नॉइस ट्रैक कर सकते हो, उस मैच में आप एफ ई मरीज पर थोड़ा सा ध्यान रखना, स्विनिंग ट्रैक होगा तो फिर से 20 बॉल डाल सकती हैं, और डेथ में दोस्तों डालती है तो विकेट्स निकाल सकती है, एफ ई मरीज प्लेयर टू वॉच आउट, थोड़ी बहुत टीम्स में ट्राई कर सकते हो। और दोस्तों कोई भी फर्दर अपडेट्स आए आपको मेरे टेलीग्राम के ऊपर कैसे जुड़ना है, लिंक ऑफ द टेलीग्राम चैनल इन द कमेंट सेक्शन सबसे टॉप पे पिन करके दे दूंगा। और दोस्तों लाइफ में कुछ ना जीवन एक बार मिलता है दोस्तों, और अपने गोल्स को दोस्तों हमेशा लाइफ के अंदर जस्टिफाई करें अपने साथ दोस्तों, क्योंकि कुछ लोगों को पता नहीं था दोस्तों लाइफ चल रही है एक चली जा रही है, इस तरह से दोस्तों नहीं करना है, अपने गोल्स को पहले देखना है दोस्तों, क्या करना आपको लाइफ के अंदर, आप क्यों आए दोस्तों लाइफ के अंदर, कुछ आपका आने का यहाँ पर मकसद है उसको दोस्तों पूरा करके जाना है, क्योंकि दोस्तों सब आते हैं सब जाते हैं धरती के ऊपर, लेकिन आपको कुछ करके दिखाना, ठीक है, टेक केयर, लव यू गाइस, विदाउट यू आई एम नथिंग, जय हिंद, जय जवान, जय किसान।